अगर आप भी रक्षाबंधन मना रहे हैं तो ये खास खबर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 2 दिन की राखी है, 30 अगस्त की भी और 31 अगस्त की भी। अगर आप 30 अगस्त यानी कि आज राखी का त्योहार मना रहे हैं तो किस समय अपने भाई को राखी बांधें? राखी बांधने का कौन सा समय उचित है? ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा के साए में मनाया जाएगा। 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी, जिसके चलते त्योहार 2 तिथियों में बट गया है। रक्षाबंधन 30 अगस्त की रात और 31 अगस्त की सुबह मनाया जाएगा। ज्योतिषाविद के अनुसार भद्रा के पचुच काल में भाई को राखी बांधी जा सकती है। इस अवधि में भद्रा का प्रभाव कम हो जाता है और रक्षाबंधन मनाने वालों पर इसका कोई असर नहीं होता है। भद्रा पचुच काल सूर्योदय के बाद शुरू हो जाता है। ज्योतिषाविद ने बताया है कि 30 अगस्त को शाम में 5:19 से भद्रा पुचच आरंभ हो जाएगा और इसका समापन 6:31 पर होगा। विशेष स्थिति में रक्षाबंधन मनाने वाले भद्रा काल में भाई को राखी बांध सकते हैं। इस अवधि से चूकने वालों को रात 9:02 के बाद जब भद्रा समाप्त होगी तभी राखी बांधने का मौका मिलेगा। 30 अगस्त को सुबह 10:59 से श्रावण पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही भद्रा काल आरंभ हो जाएगा जो कि रात 9:02 तक रहेगा। यानी 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन करीब 10 घंटे का भद्रा काल रहने वाला है। आपको बता दें कि चंद्रमा जब मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। और जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है। इस बार भद्रा कुंभ राशि में लग रही है, इसलिए इसका प्रभाव पृथ्वी पर ज्यादा रहेगा। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।